रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ जी हाँ जी, देखिए मैंने पहले से आपसे कहा था कि मिठाइयाँ 5 तरीके की होनी चाहिए, एकदम फ्रेश A1 मिठाइयाँ, और अभी तक आपने भेजी नहीं है। हाँ जल्दी भेजिए जी, मेहमान आने वाले हैं। ये लोग बिना, ओहो सुनीता तू अभी तक जाले साफ करने में लगी है, जाकर प्लेटें लगा टेबल पर, देर हो रही है। और आप भी ऐसे बैठे हुए, थोड़ी मदद तो कीजिए, कितना सारा काम पड़ा हुआ। एक काम कीजिए, आप ये कुशन कवर ना कुशन पे चढ़ा दीजिए। ये लड़की पलकू, पलकू कहाँ है तू? मंजीत, मंजीत, ये सब इतना जल्दी? जल्दी क्या, लड़के वाले सिर्फ मिलने तो आ रहे हैं। देखो लड़के वालों की हाँ है, तुम्हारी हाँ है, पर पलक उसने क्या कहा है? लेकिन मिलने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। पलकू, पलकू कहाँ है तू? तैयार नहीं हुई अभी तक? अरे जा जाकर जल्दी तैयार हो, मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं पहले से तेरे लिए। 12:15 बजने वाले हैं, अब लोग आते ही होंगे। ये 12:15 का क्या चक्कर है? आप नहीं समझेंगे, इसके पीछे भी एक वजह है। अरे यार ये हो क्या रहा है? देख बेटा पलक, सुन मेरी बात, देख शादी कोई हल नहीं है, हाँ तेरा करियर है यार, पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। देख बेटा चाहे तो अपनी माँ की खातिर उनसे मिल ले, पर बेटा उसके लिए हाँ मत बोल देना प्लीज। मंजीत कैसी लगी रंगोली? रंगोली तो बड़ी सोड़ी है। गायत्री, वो 11:45 पर तेरे गेस्ट आने वाले थे ना? हाँ, मैंने उन्हें वही टाइम दिया है क्योंकि वो मुहूर्त बहुत अच्छा है। आई एम रियली सॉरी यार, मैं ना दिल से चाहती थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली इसमें इनवाइटेड हो, पर तुम्हें पता है ना पलक थोड़ा ऑकवर्ड फील करती इसीलिए। कोई गल नहीं गायत्री, अब पलकू की शादी हम दोनों मिलकर साथ में सेलिब्रेट करेंगे, है ना जी? लगता है वो लोग आ गए, मैं मिलती हूँ। मंजीत कैसे? कैसी है? तुमने कहा था ना एग्जैक्टली 11:45 आ जाना, लो हम आ गए। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, आओ अंदर आओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आने में? आना ही था ना, तुमने जो बुलाया था। कौन बिलीव दिस, पलक की शादी कपूर के बेटे के साथ हो रही है।